सही है, सही आ रहा है, हिसाब से सो जाएंगे 3 बंदे इसमें। बोल तो रहा हूं मैं तेरे को। सो गाइस हम आ चुके हैं डीकैथलॉन, हम आए हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, टेंट वगैरह लेने के लिए आए हैं। जो मैं आपको दिखाऊंगा आज उससे आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं और बहुत काम की चीज़ है, तो पहले डीकैथलॉन चलते हैं। आप लोग जो कैंपिंग करते हो ना उनके लिए बहुत फ़ायदा है, टॉयलेटरी बैग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। बैग कहाँ है वो टेंट कहाँ है? एक बार टेंट देख लेते हैं, कलर भी भाई इनमें डिक्की करके देंगे, इनकी पिंकी करके भी लेना है, ट्रैवल बैग वो वैसा वाला ना, वो जिसमें बोरी सा होता है पूरा। 100 रुपये से कितने, 4000 रुपये से स्टार्ट है अभी तेरा। अलग अलग टाइप के कैंप्स मिल जाएंगे गाइस, देखो 2% वाला, 3% वाला। तो गाइस ये रहा टेंट, ये कितने परसेंट का है आमिर? ये भाई ये 2% का ही तो है भाई, इसमें दो से ज्यादा कहाँ सुलाएगा तू इसमें? इसमें हाँ, इसमें हाँ 400 होंगे इसमें। पागल हो रहा है क्या तू? ये वाला बोल रहा था हमें, ये सही तो लग रहा है पर ये चुभेगा यार, ये थोड़ा हवा वाला है ना, ये है ना? नहीं नहीं चुभेगा नहीं, मतलब ले भी सकते। ये टेंट है गाइस 3000 रुपये का, ये भी लगा सकते हैं, ये दो बंदे नीचे सो गए। सौदा पूछना कितने का ये? अरे सुनना, गद्दा उद्दा तो ये ना उठा ले। इस टाइप के सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे टेंट्स, 2000 रुपये से स्टार्टिंग है और अलग अलग टाइप के है। वाटर रेजिस्टेंट नहीं है आमिर, देख ले कोई से आता होगा इसमें, नहीं है कोई भी वाटर रेजिस्टेंट। मैक्सिमम जो जा रहा है 15000 रुपये का टेंट जा रहा है वैसे। यार ये टेंट सही रहेगा मेरे हिसाब से, ये वाला टेंट टेंट देख रहे हो, हमें लगा था ये महंगा है बहुत, बट ये पर इसका देखो ये लिखा हुआ है 3900 है। बाकी अंदर जो कुशन वगैरह जो आप बेड वगैरह ये अच्छा लग रहा है, पर इसमें 3 बंदे सो पाएंगे आराम से? सोएंगे यार, मुझे नहीं लगता पॉसिबल हो जाएंगे। अरे 3 बंदे आराम से सोएंगे मानशु, कैसी बात कर रहा है, हमें छोटा है 3 बंदों का नहीं है छोटा। तो हमारे बींग हिमांशु जो हम टेंट लेने का सोच रहे हैं इसके अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि कितना फिट आता है हिमांशु, जिस मतलब जबकि हिमांशु की हाइट अच्छी खासी है, 5'11" तो होगी, 5'10" 5'11" हाँ भाई। एक बार लेट के देख, लेट के देखना थोड़ा आगे और ठीक है ना? सही है, सही आ रहा है। बोल तो रहा हूँ मैं तेरे को, थोड़ा उधर 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 घुस, उधर घुस के देखियो अपनी अपनी उधर स्पेस ले। एक बंदा यहाँ नहीं सो जाएगा आराम से? अबे ये इसको हटाएंगे ना, ये थोड़ा रखेंगे, ये तो नहीं रखेंगे ठीक है ठीक है। इसका हाफ भी आता है इसका तो। कैसी है मेरे, बैठ के देखियो एक बार, कितने की है? 499 की? नहीं नहीं ये 1200 रुपये की चेयर है भाई, ये 499 की है, ये 499 की, 599 मैंने ये भी देखी थी जब मैं जीबी में गया था ना, वहाँ रखी हुई थी इन्होंने होटल्स वालों ने बाहर। नहीं जिस पे तू बैठा कुछ फर्क है इसमें, कंफर्ट है ज्यादा? बहुत कंफर्ट है, दिखाइए उस पे पीछे सपोर्ट है, इसमें ये फायदा है। और इस पे देखो यार, वो मैं तो देख ये तो मैं लूंगा ही नहीं, मुझे तो सपोर्ट वाली चाहिए, स्टूल है तो यार, तो मेरे जैसे मेरे बैक में प्रॉब्लम है ना, तो मैं तो ये लूंगा ही नहीं, मैं तो यही लूंगा सपोर्ट वाला। एक बात बोलूं, 1000 रुपये की वो है, 1200 की है, तो फिर ये लेंगे ना हम, थोड़ी बड़ी भी है। भाई फोल्ड लो के देख, इतना पैसा नहीं देखना हमें, 200 रुपये की फोल्ड लो के देख कि कैसी है ये, मतलब कितनी ज़्यादा फोल्ड हो जाएगी गाड़ी के लिए। करिए एक बार फोल्ड, ये इसमें से देखिए फोल्ड करके वाली, नेचुरल तरीके से अगर कुछ आपका जैसे कुछ भी चीज बाहर अंदर हो जाता है तो वो देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड कुछ भी डिफेक्ट होगा तो वो काम, अगर जल वल गया तो उसकी तो नहीं है? नहीं सर, अगर कुछ भी उसका फिजिकल डैमेज होगा या फिर किसी इंपैक्ट की वजह से अगर जाएगा तो वो वेयर एंड टेयर में आता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इज
एनीथिंग दैट रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे अंदर की साइड ना बहुत सारी जिपर्स होते हैं, तो अगर आपको जिपर्स में प्रॉब्लम होती है तो जिपर्स हो जाता है, स्टिचिंग इशू आपका वो हो जाता है, कवर हो जाता है. हाँ जी सर. तो ये शेप के लिए रखा हुआ है वैसे? दिखाने वाला अलग टेंट है. अच्छा. ये बेस एम है, इस पे अभी एक डिस्काउंट चल रहा है. ये तो डिस्प्ले है ना खाली, वैसे तो किसी यूज का नहीं है ना उधर. ये बहुत बड़ा आता है, मतलब ये जस्ट टू शोकेस की कैसा इसकी लुक है. ओके, तो क्या फाइनल हुआ मानसू भाई? तो भाई देखो, हमने अपनी थोड़ा होता ना कि बजट के हिसाब से भी देखते हुए, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसी में हमें एक और टेंट दिखाई दिया है जिसकी जो बाहर की लेयर होगी ना वो वाइट होगी, अंदर की ब्लैक होगी, जिससे कि अंदर हीट ऑब्जॉर्व इतनी ज़्यादा नहीं होगी और बाहर से जैसे रोशनी आती है सुबह वो भी नहीं आएगी. और सुबह तो हम जल्दी माउंटेन्स पर उठे जाते हैं, तो आई थिंक 1500 रुपये फालतू हैं उसके, तो वो लेना कोई इतना मुझे ठीक नहीं लगा. ये ठीक है, 3000 रुपये का टेंट है. बाकी जो एक्सेसरीज लेंगे वो अलग है, तो वो बाद में देखेंगे. तो आई थिंक वो सिर्फ एक लेयर के वजह से कि बाहर की ब्लैक है और सन रेस अंदर ना आए, और थोड़ा इतना ज़्यादा वो नहीं लगा मुझे टेक्निकल चीज़ों में. तो आई थिंक ये बेस्ट रहेगा हमारी नीड के हिसाब से अभी के लिए ना. 3000 का है और इसमें 3 लोग सो सकते हैं, उन्होंने यही बताया, विच इज़ ओके, बढ़िया है. अभी होता था ये वैसा हो जाता है सर. एग्जैक्टली कैसा ये? हाँ ऐसा फोल्डेबल है ना भाई? और ये कितने का बताया आपने? 3500 का ही है. देखिए यार, पर ये सिंगल है ना फिर? हाँ, अरे तो तीन बंदे अगर सोना होगा. 3499 का ये है, 2000 का ये है, तो ये तो ऑलमोस्ट फिर वही बात होगी, इसने मतलब टेंट कैसे कर लिया. बट भाई इसको डालने के बाद ये लेने का फायदा नहीं है ना अभी, अभी तक इस पे दो लोग कंफर्टेबली आ भी नहीं पाएंगे. दूसरा कोई मैट्रेस डाल देंगे. हटा भी ये देखो, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जैसे आप अगर आप लेने आओ तो सारे टेंट्स तो डिस्प्ले में नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, छोटे छोटे सैंपल्स लगा रखे हैं, जैसे कि ये है एक, ये है, तो इसमें बता रखा है नीचे कि इसमें 6% के लिए है, ये 4% के लिए है, तो सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वो ओपन होने के बाद कैसा लुक में आएगा, एंड देन आप नीचे जो रखे हुए हैं यहाँ से परचेज़ कर सकते हो. मतलब एक्चुअली में लुक ये है, बट टेंट खुलने के बाद वैसा हो जाएगा जो सामने रखा हुआ है. सो सही चीज़ है काफ़ी कि सारे टेंट खोलने नहीं पड़ेंगे, एक एक छोटा एक डेमो पीस लगा कर रख दिया ऐसी एक डिस्प्ले में, और उसको देख के आप परचेज कर सकते हो कौन सी लुक चाहिए आपको और कितने लोगों के लिए कैसा लगेगा खुलने के बाद. सो गाइस, फाइनली हमने टेंट ले लिया है. जैसा मैंने आपको बताया था, यही वाला टेंट लिया है हमने जो कि 3000 का था. हमने बहुत सारी इसमें वैरायटी देखी, जैसे मैं आपको बता रहा था थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, बट अभी हमें बस स्टार्ट करना है. बिगनर्स हैं हम, हमने कहीं कैंपिंग करी नहीं है, मतलब औरों की कैंप में करी है, अपनी लगा के पहली बार करनी है. तो आई थिंक ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए बजट के हिसाब से भी, वो सीखना भी है अभी बहुत सी चीज़ें लगाते कैसे. और ये था जो कि अभी 2% का बेड था, 1800 का यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट, बट अभी हमें वर्थ नहीं लग रहा लेना क्योंकि अभी पता ही नहीं है चीज़ों के बारे में, और यहाँ पे पंप वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो धीरे धीरे चीज़ें हम अपग्रेड करते रहेंगे. और ये थोड़ा सा कॉस्टली है, 3500 का, हम ले तो रहे नहीं है. ये पिलो है जो कि 599 का है, बट इट इज़ अवेलेबल आपके घर पर भी, कोई कुशन्स वगैरह होते हैं आप यूज़ कर सकते हो, गाड़ी में तो सामान आ ही जाएगा. एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ. ये है वुड स्टोव, तो यहाँ से आप लकड़ियाँ वगैरह कोयले वगैरह डाल सकते हो, और यहाँ से आप चाय मैगी कुछ भी बना सकते हो. बहुत इजी है, इजी है. और ये जैसे हम करते थे ना गाँव में, इसमें नीचे भी छेद है क्या? हाँ, वेंटिलेशन के लिए होता है. और ये वो है ऐश यहाँ से निकले. और अगर ये ज़्यादा गर्म है तो आप ये लो, उठा के साफ कर लिया. बट मेरे हिसाब से ये भी वर्थ नहीं है क्योंकि आपको ईजिली 600-700 रुपये का आपके लोकल एरिया में बारबेक्यू वगैरह मिल जाता है. मेरे हिसाब से बेस्ट है. चले जाए हमारा टेंट ये रहा, मैं आपको दिखाया था एक बार. पैक होने के बाद ही ऐसा लगता है, ये देखो कितना कॉम्पैक्ट है. देखो पैक 3000 रुपये का घर, 3000 रुपये का घर ये देखो. सो ऐसा है, इसको कहीं भी पैक करके रख सकते हो आप कार के अंदर, विच इज़ वेरी वेरी कॉम्पैक्ट. नाइस यार, चलो तो चलते हैं और घर पे चल के देखते हैं, ट्यूटोरियल देखेंगे फिर बनाएंगे. हाँ मेरे भाई, बर्गर खाने आए हो फिर से? भाई पार्टी है उसकी. टेंट लिया है गाइस, ये देखो. और खाना भाई कहाँ रखा हो? ये देखो भाई कितना इजी है. देखो ये देखो, गाड़ी छोड़ो यार, स्कूटी पे करेंगे यार तब भी आ जाएगा. ये देखो बहुत ईजी है यार सच में भाई. हम तो ऐसे ही है भाई, हम तो प्रमोट करते हैं मेड इन इंडिया को. मेड इन इंडिया बर्गर. अच्छा. हम घर पे आ चुके हैं और टेंट लेके, बहुत भूख लग रही थी वहाँ पे, हमने थोड़ा बहुत खाना वाना भी खा लिया था ऐसी बाहर से, बर्गर वगैरह. और अभी जो टेंट को एक तरह से अनबॉक्सिंग करेंगे उसकी, और टेंट को पूरा ओपन करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है वो, क्योंकि हमें भी पता नहीं है, हमने सिर्फ ले लिया है. ट्यूटोरियल वगैरह देखना पड़ेगा उसका बाद में, बट अभी सिर्फ ऐसे ही ओपन करके देखते हैं कि दिखता कैसे है, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है.
तो अभी दिखाता हूँ आपको कहाँ ओपन करने पर। ये देखो हम प्लान कर रहे हैं उसको ओपन करने का अभी यहाँ पे, क्योंकि इनफ है और यहाँ ये रहा हमारा टेंट ये रखा हुआ है। तो अभी बस जुड़े रहिएगा वीडियो से, अभी फटाफट मैं और आमिर फटाफट उसको जैसे भी ओपन करके देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, एंड देन फिर फाइनल लुक देखेंगे उसकी। तो यही है देखो, पैसे बचाओ अपना बढ़िया। इसके ऊपर हमने डाला, ये हमारा पड़ा हुआ था इसके पास, किसी भी दुकान में मिल जाएगा। हमने इसके ऊपर डाल दिया इतनी मोटी लेयर, इसको गाड़ी में फोल्ड करोगे तो मतलब इतनी मोटी नहीं होती, आराम से आ जाएगी गाड़ी में, चाहे छोटी हो या बड़ी गाड़ी हो, कहीं भी जाओ और आराम से सो। ये देखो मस्त बेड से बढ़िया नींद यहाँ पे भाई, एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई हो रखा है और नीचे का कुछ चुभेगा भी नहीं। और देखो भाई यहाँ बैठे आराम से, और भाई अपने ये देखिए इसमें, इसके ऊपर ये देखिए देख, अरे यहाँ तकिए लग चलेंगे गोल वाले, इससे बढ़िया क्या चाहिए, और होटल से बढ़िया यार ये, एक नंबर। मैं तो कह रहा हूँ रेंट किराए पे चढ़ा देंगे भाई, लेना किसी को हजार रुपए देंगे। ये देखो गाइस यहाँ पे वो भी है, जैसे हम रात को कभी कार्ड्स वगैरह का गेम खेल लेते हैं थोड़ा बहुत। ये देखो यहाँ पे लाइट लगा दो और यहाँ पे आराम से बैठ के अंदर खाना बनाना, उसके लिए लाइट भी आती रहेगी यहाँ पे अपना, बढ़िया जुगाड़ है। देखो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए ये है, इसके पीछे से हल्का सा ये है खुल जाती है जाली है, जिससे थोड़ा बहुत वेंटिलेशन रहेगी रात को, बट ये इतनी बड़ी विंडो है इसको ओपन रख लो ज़्यादा बढ़िया है ना, रात को सोना हुआ ठंडा रही है तो इसको बंद करके यहाँ पे चेन लग जाएगी। सही है भाई, मजा आ गया मंशु भाई, बढ़िया भाई, इन्वेस्टमेंट के उस पर वर्थ है भाई लेना अगर आप ट्रैवल करते हो। देखो यार ये नहीं है कि आप रह नहीं सकते, आप ट्राई करोगे ना आपको मजा जरूर आएगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि एक ना एक बार, चाहे एडवेंचर के उस पर मत करो, बट इसको लो और इसको लगाने में और जो रहने में मजा है, लेकिन इसकी अलग ही एक फील है, वाइब्स अलग ही है इसके, है ना भाई, बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। चाहे आप किसी होटल के पास ले लो कि आपको वॉशरूम वगैरह के लिए, खाना खाने के लिए उनका कैफे वगैरह मिल जाए, बट रहने के लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि आप एक न्यू एक चीज है, होटल में तो यार सभी रहते हैं बाहर जाके। सो ये पैक इतनी छोटी सी चीज में पैक हो जाता है, इतना सा बन जाता है पूरा रोड, मतलब अगर ट्रैक पे जाएं इसको आराम से कैरी कर सकते हैं पीछे डाल के आराम से, सबसे बढ़िया चीज है। तो गाइज यही था हमारा आज का, आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा डीकैथलॉन का जो एक छोटा सा आप एक्सप्लोर करने के लिए हमने ट्रिप मारा है, या जो ये बोल सकते हो कि हम वहाँ गए थे शाम को। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और क्या अच्छा लगा वीडियो में वो भी ज़रूर बताना। और भाई कब जा रहे हो फिर ये कैंपिंग करने? जो अगली ट्रिप है ना, जो भी हम अगली ट्रिप मारने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हम फ्रीक्वेंट मार रहे हैं आमिर में आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप वीकेंड पे यहाँ जा सकते हो, बजट ट्रिप मारते हैं हम। तो अगली जो ट्रिप है हम यही है कि अगले 7 से 10 दिन के अंदर, मतलब इसी में मारेंगे अभी ट्रिप में, अभी इसके आसपास ही कैंपिंग होगी सीधा, अब वो होगी इसी पे। तो हम लाए इसलिए हैं कि जहाँ भी जाएंगे अब देख के जाएंगे और अब इस पे ही करेंगे अब ट्रिप, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई ट्रिप पे।